डू यू नो वाई इज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइन इज मल्टीपल ऑफ 11? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इंडिया में इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11 ही क्यों होता है? जो आपको पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपने सुना होगा कि इंडिया में जो हम पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो उसमें 11 केवी की लाइन होती है, 22 केवी की होती है, 33 केवी की होती है और 66 और बियॉन्ड 66 मीन्स मल्टीपल ऑफ 11 ही होता है। तो उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दिस ऑल आर ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन मीन्स हम जो बात कर रहे हैं 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, 66 केवी, ये सब जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकती है और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन होती है। उसमें से ये जो है वो ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर जो रहता है और जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी रहती है वो ओवर ए ट्रांसमिशन होती है। तो नेक्स्ट जो हम बात करें अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें केबल की रिक्वायरमेंट रहती है और केबल के रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। अगर आपने वो देखा नहीं है वीडियो तो प्लीज़ एक बार वो देख लीजिए ताकि आपको केबल के बारे में पता चले कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, डिज़ाइन कैसे होता है और क्या क्या प्रोसेस स्टेप होता है उसको बनाने के लिए। तो दिस ऑल आर द अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन। देन अब अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो उसके लॉसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लॉसेस के बारे में जानना, देर आर सम वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन लॉस होता है। अगर हम कोई भी पावर एक एंड से भेजते हैं तो दूसरे एंड तक जो रिसीव होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप रहता है। तो अगर हमें वो सेम क्वांटिटी रिसीव करनी है और अगर हमें 10 किलो वोल्ट ट्रांसमिट करना है तो उसको हम 10% ज़्यादा वोल्टेज भेजेंगे ताकि हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो सके। सो सेंडिंग वोल्टेज, फॉर एग्जांपल अगर सेंडिंग वोल्टेज इज 10 किलो वोल्ट देन वी सेंड 10% एक्स्ट्रा, तो 10 केवी का 10% होता है 1 केवी, तो टोटल हम 11 केवी भेजने वाले हैं। तो 11 केवी जब हम भेजेंगे तो रिसीविंग एंड तक 10 केवी और उससे ज़्यादा हमको मिलने वाला है। तो वाइल द रिसीविंग एंड वोल्टेज आर द 10 केवी ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप मीन्स उसका वोल्टेज ड्रॉप हो 11 केवी का वोल्टेज ड्रॉप होते होते 10 केवी और उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सब एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर हमें 10 केवी सेंड करना है तो 11 केवी भेजने वाले हैं 10% एक्स्ट्रा, 20 केवी, देन 30 केवी, 60 केवी, 120 केवी। अगर हमें 120 केवी ट्रांसमिट करना है तो हम उसको 10% ज़्यादा मीन्स 132 केवी भेजेंगे और रिसीविंग एंड तक हमें 120 केवी और उससे ज़्यादा मिलेगा। तो कोई भी अगर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉर्म फैक्टर की वजह से होता है, तो हर बार ये सही नहीं होता। मगर ये जो है हमारा मल्टीपल ऑफ 11 उसका सही रीज़न होता है ट्रांसमिशन लॉस और उसमें से रेजिस्टेंस का जो रीज़न है वो सबसे मायने रखता है कि हमारा ट्रांसमिशन लॉस कैसा कितना होगा और हम क्या भेजने वाले हैं। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन व्हाई इट इज़ मल्टीपल ऑफ 11, सो ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप।